हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशान कुमार है। तो आज हम एक बनाने जा रहे हैं एक ऑयल पेस्टल की सुंदर से सीनरी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कंपास लेना है एक, और अपनी जो शीट है ये स्क्वायर वाली, इसके कहीं मिडल टाइप में हमें सर्कल बनाना है फॉर द मून। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल को पहले बना लेते हैं फ्रेंड्स हम। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि ये लाइट ब्लू है, हमें ये लेना है, और हमें जो नीचे का है एज अ बॉर्डर हमें यहाँ से शुरू करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं लाइट ब्लू लूँगा और नीचे से यहाँ से शुरू करूँगा ऐसे, और इसे हमें कम से कम यहाँ तक रखना है, यहाँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमें सेरिफ्लम ब्लू लेना है, तो ये सेरिफ्लम ब्लू। फिर उसके बाद हमें इसको ऊपर की तरफ ऐसा करना है, तो हल्का सा हमें इसे कम से कम यहाँ तक करना है, तो ये यहाँ तक ऐसे। फिर थोड़ा सा सन को थोड़ा सा कवर अप लेते हुए यहाँ तक, फिर ऐसे करके सन, ये हमारा मून है, इसको ऐसे साइड से इसको ऐसे बंद कर। अब यहाँ हमें इसको फिल कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने ऑयल पेस्टल 50 शेड्स का यूज किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एंट्रिप ब्लू लेना है, ये वाला। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा और आगे तक कम से कम यहाँ तक से फिल करना है, यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे हल्का सा देना है, ज्यादा नहीं, और इस साइड हमें इसको फिर से फिल अप करना है। फिर हमारा ये हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है कि लाइट ब्लू फिर से लेना है, और जो हमारा उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो हमारा मून है इसको उसको ऐसे लाइट ब्लू से आउटलाइन कर देना है ऐसे कुछ, और इसे हमें ऐसे चार तरफ से इसको कर देना है। ऐसे क्या होगा कि अगर मून में जो ब्राइटनेस होती है वो और आएगी। उसके बाद हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ स्प्रेड कर देना है। ये कुछ ऐसा हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि एक और ये वाला रूशियन ब्लू लेना है, ये वाला फ्रेंड्स, और इसको भी हमें थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा ऊपर तक डार्क हो जा रहा है, तो थोड़ा डार्कनेस दिखानी पड़ेगी। इसे भी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें ब्लैक कलर लेना है, ये रहा मेरा ब्लैक कलर, और हमारा जो ऊपर का पार्ट जितना भी रह गया है उसको पूरा कलर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आप ये ऑयल पेस्टल कर रहे हो तो एक बात का एकदम जरूर ध्यान देना कि आप इसको एकदम परफेक्टली एकदम गड़ा के मत करना, इसे लाइटली देना, क्योंकि बाद में हम इसे टिश्यू से ब्लेंड भी करते हैं। फ्रेंड्स, के हो जाने के बाद हमें एक टिश्यू पेपर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा टिश्यू पेपर, अब इसे हम उसके लिए फोल्ड कर देते हैं प्रॉपरली, तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अब का इसका जो कोनी है इसे हम लाइट कलर से शुरू करेंगे।
इसे हमेशा से ब्लेंड करते रहेंगे। ऐसे फ्रेंड्स हमें इसको ब्लेंड करते रहना है लाइट टू डार्क। और फ्रेंड्स एकदम पूरा मत करिएगा क्योंकि हमें तो इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा गैप देना है। ऐसा कर लिया फ्रेंड्स, अब जो डार्क वाला है उसको हमें ऐसे टेढ़ा करके ऐसे 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 करना है। फ्रेंड्स ये वाला भी हो गया, इसे भी वैसे ही करना है। फ्रेंड्स हमें इसको ऐसे पूरा ब्लेंड कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें इसको ब्लैक कलर को थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स इसे हमें पूरा ब्लैक कलर को प्रॉपरली ब्लेंड कर दो। थोड़ा सा इधर उधर कम पड़ जाता है तो आप उसको और एक्स्ट्रा ब्लैक कलर दे सकते हैं क्योंकि तो कहीं कहीं पर वो ब्लैक कलर का वो ख़त्म हो जाता है तो हम फिर वो आगे जा नहीं पाते। तो फ्रेंड जो हमारा बेसिक कलर पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वाइट कलर चाहिए इसको थोड़ा नदी वाली फीलिंग देने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको लेना है और ऐसे 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 थोड़े कोने कोने से आपको उसको ऐसे देते रहना है। ये जो वाइट वाइट शेडिंग आ रही है हमें इसको थोड़ा ऐसे नरी टाइप को ऐसे देते रहना है। फ्रेंड्स अब हमें उंगली लेनी है और इससे हमें इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देना है। थोड़ा सा और नदी को स्प्रेड कर देते हैं। फिर फ्रेंड्स जहाँ जहाँ थोड़ा सा उंगली का काम था वहाँ का काम कर देते हैं क्योंकि वहाँ टिश्यू नहीं हो सकता। जैसे यहाँ फिर यहाँ जहाँ 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 वाइट रह गया उसे आप प्रॉपरली ब्लेंड कर देना इसे या किसी स्टम्प से। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अब हमें मून बनाना है। मून के लिए हमें चाहिए लाइट ब्लू और लाइट ब्लू को हमें क्या करना है ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 थोड़ा मून की फीलिंग देनी है। ऐसे किया इसको ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे। फ्रेंड्स हमें उंगली लेना है मुझे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है थोड़ा सा और। फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको वाइट कलर लेना है और इसे थोड़ा ब्लेंडिंग में थोड़ी सी हेल्प करनी है वाइट कलर से ऐसे थोड़े यहाँ क्योंकि टिश्यू अच्छा नहीं लगेगा तो वाइट से जो ब्लेंड होगा वो लाइट कलर आएगा और वो इसमें देखने में अच्छा लगेगा। और वाइट कलर को थोड़ा उसके अराउंड भी कर देना क्योंकि फिर उसमें थोड़ी ब्राइटनेस लगेगी। फ्रेंड्स मैं इसको फिर थोड़ा अराउंड अराउंड कर देता हूँ। फिर आपको उंगली लेनी है और इसको भी ऐसे 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 कर देना है पूरा। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है
कि हमें एक 10B या 8B साइज की आपके पास जो अवेलेबल है, या 10B या 8B आप ले लेना पेंसिल, और उसके बाद हम उसका जो बेसिक पार्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्केल चाहिए, और स्केल को हल्का सा। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा लगता है कि मैं वह गलती कर देता हूँ, तो आप लाइट ब्लू थोड़ा लाइट पेन ले लेना, लाइट पेंसिल ले लेना। मैं अभी 5H ले रखा हूँ। फिर इससे हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे ऐसी टाइप, यहाँ जो लाइन वाली है। फिर उसके ऊपर ऐसा थोड़ा हमें वो बनाना है, तो उसे लकड़ी टाइप बनानी है कि उस पर एक बॉय बैठा हुआ है। इसको ऐसे करके हमें ऐसा कर देना है। उसके बाद अब हमें बॉय बनाना है। तो बॉय बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी हेड बनानी पड़ेगी। सो हेड रहेगा कुछ ऐसा, हमारा हेड रहेगा। फिर उसको ऐसे कंटिन्यू करते करते करते। और फ्रेंड्स अगर आपके शॉर्ट शेडो आर्ट में उतना कोई ड्राइंग वैसा देखता नहीं है, क्योंकि ये शेडो है, इसमें कोई ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैं फिर से बनाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, इसकी कमर बनानी पड़ेगी। फिर ये इसका हमारा पेट बनाना है। और फिर हमें इसको ऐसे करके ऐसे करना, इसको सब पैर बना देना है। तो हमारा मैन भी बन गया। और फिर स्टिक को थोड़ा वैसा कर देना है कि थोड़ा लगे कि बैठा हुआ। पैरों को फिर आप थोड़ा लंबा कर देना, बहुत छोटा लग रहा है पैर, उसके फूट्स दे देना। तो फ्रेंड्स अब आपको 10B पेंसिल लेना है, और उसको इसको अंदर कलर कर देना है। ये लिया और इसको हमें कलर करने लग गए। इसके कलर करने के बाद बहुत प्योर ब्लैक लगता है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा मैन हो गया कलर। और उसके बाद हमें इसको कलर करना है। मैं थोड़ी सी वो फिनिशिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा मेरा मैन थोड़ा ठीक ठाक नहीं बन पाया, पर ये ठीक है। उसके बाद हमें क्या, अब हमारा ये ड्राइंग मतलब आधी से ज़्यादा कंप्लीटेड है। अब हमें स्टार्स बनाने हैं। स्टार्स के लिए आप वो ब्रश वाला ट्रिक भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा वो लगता है, तो टाइम लगता है, इसलिए मैं वाइटनर यूज़ करूँगा। मेरा वाइटनर है, वाइटनर को फिर मैं यूज़ करूँगा इस पर। एस फॉर द स्टार, तो ये लिया और इसको ऐसे मैं कहीं पर भी लगा दूँगा, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हमें ऐसे स्टार बनाते रहना है कि थोड़ा भरा भरा लगे तो सुंदर लगता है, बिना स्टार के, क्योंकि ड्राइंग अधूरी रह जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी और ड्राइंग्स देखनी है मेरी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। वहां पर मैं अपने ड्राइंग्स को पोस्ट करता हूँ, और मुझे फॉलो ज़रूर करना, और मेरे पोस्ट को लाइक भी ज़रूर करना। फिलहाल मैं इसको ऐसे स्टार्स देते हैं, तो हम छोटे छोटे छोटे, आप भी देते रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन सब काम में मेरे इतना हाथ दर्द होता है,
क्योंकि हमें इसको दबा के रखना पड़ता है, खासकर ऑयल पेस्ट। वैसे हम जब इसको पेन के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है, और इसमें एकदम हाथ दर्द हो जाए क्योंकि इसको दबा के रखना पड़ता है। फ्रेंड्स हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, और फ्रेंड्स ऐसा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको लेना है वो कहीं कहीं थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए, हमें मतलब कुछ लगे कि हाँ एकदम नेचुरल है, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे टाइप ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे स्टार्स देने पड़ेंगे, वो भी लगे कि ये कोई बहुत ऐसा बहुत नेचुरल प्लेस है, बहुत पीसफुल प्लेस है। तो आप ऐसा कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसा कहीं कहीं बना लो, यहाँ ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे जाते हुए। फ्रेंड्स जो हमारा बॉय है इसको भी आप कोने कोने में थोड़ा सा ऐसे 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 कर दो। सो फ्रेंड्स अब हमारी ड्राइंग तैयार हो चुकी है, अभी थोड़ा सा मून रह रहा है उसे भी कर देते हैं। मून में थोड़ी सी हमें क्योंकि ब्राइटनेस देनी है इसके उसके आसपास थोड़ा सा वाइटिश देना है, और स्टार्स को एकदम प्रॉपरली कंप्लीट कर देना है। सो फ्रेंड्स हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी टेपिंग हटा लेता हूँ। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, इसे भी हटा लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब मैं टेप लगाया और जो टेप लगाता है उसका पेज भी फट जाता है, इसमें बहुत गुस्सा आता है मेरे घर का भी। यहाँ से भी कर देते हैं। और यहाँ से भी हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये ड्राइंग तैयार है। अगर आपको मेरी ये ड्राइंग अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। बाय बाय फ्रेंड्स।